हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रियंका के किचन में। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है एग चिल्ली। ये एक चाइनीज़ रेसिपी है। उसके लिए मैंने 3 एग लिए हैं, उनको बॉयल कर लिया है। और हमें चाहिए ग्रीन ओनियन, ये ग्रीन ओनियन के वाइट पार्ट है और ये ग्रीन पार्ट। और हमें चाहिए एक कैप्सिकम, कैबेज, टमाटो सॉस चाहिए। उसके लिए मैंने टमाटो सॉस के पाउच लिए हैं। और हमें चाहिए जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिल्ली, इनको मैंने स्मॉल पीसेस में कट किया। ऑयल चाहिए हमें फ्राई करने के लिए। इसके अलावा मसालों में हमें चाहिए काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, और हमें चाहिए सोया सॉस, चिल्ली सॉस और विनेगर। इसके अलावा मैंने लिया है, इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने आधा, और आधा मैदा, ये चौथाई कप है। इसमें आप आधा कॉर्नफ्लोर मिला लें और आधा मैदा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स एग चिल्ली। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एग के पीसेस कर लेंगे। इस तरह से हम एग के चार चार पीसेस कर लेंगे। तो एग के पीसेस हो गए हैं हमारे। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे हम मैदा और कॉर्नफ्लोर का घोल पाउडर। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। अब इसमें हम जितनी आवश्यकता होगी उतना पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि कोई लम्स ना रहे। घोल ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा मोटा हो। और अगर ज्यादा पतला हो जाता है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर उसमें वापस मिला सकते हैं। तो हमारा घोल रेडी हो गया है फ्रेंड्स, देखिए। तो फ्रेंड्स, घोल हमारा तैयार हो चुका है। तब तक हम ऑयल गरम करने के लिए रख देते हैं गैस पर। अब ये जो एग्स हैं इनके ऊपर भी हम थोड़ा सा हल्का सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च डाल देंगे। आप और भी चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब ये एग हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑयल को मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा हो चुका है गर्म। तो अब हम ये एग जो है ये इसमें डाल के घोल में इस तरह से फ्राई करते जाएंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अभी एक साइड से हो जाए तो इन्हें हम टर्न कर देंगे। अच्छे से क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर लेना है। थोड़ा सावधानी से करें फ्रेंड्स, कभी कभी इसके छींटे होते हैं तो आपको लग सकते हैं। इसी तरह से हमें पूरे एग कॉर्नफ्लोर के गोल में तैयार कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, अंडे मैंने तल कर तैयार कर लिए हैं। इस तरह से आपको अंडों को फ्राई कर लेना है। सिर्फ एक सावधानी रखें, कभी कभी ये उड़ने लगते हैं तलने के टाइम, तो छींटा लग सकता है। अब हम दूसरे प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच ऑयल। इस तेल में डालेंगे हम ग्रीन चिली। हल्का सा फ्राई होने देंगे इसे। अब इसमें डालेंगे हम कांदा। फिर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट।
मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, आप चाहें तो बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक का रॉ जैसे रॉ टेस्ट खत्म हुए तब तक इसे भून लेंगे। अब इसमें जाएंगे हमारे कैप्सिकम और कैबेज। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। थोड़ी सी लाल मिर्च काली मिर्च अच्छे से मिला लेंगे। हमने सब सॉसेज को आपस में मिला लिया है। इसमें मैंने एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच चिली सॉस, विनेगर और टमाटो सॉस ये आपस में मिला लिए हैं। अब हम इसमें मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे हम, इसमें मिलाऊंगे थोड़ा सा पानी। इसमें बॉयल आने देंगे। तो हमारी वेजीज में बॉयल आ गया है, इसमें मिला देंगे हम अंडे जो हमने तैयार करके रखे हैं। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। दो तीन मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे ताकि मसाले हमारे एग्स में चले जाएं। तो फ्रेंड्स तैयार हो चुके हैं हमारे एग चिल्ली। आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में कितने टेस्टी होंगे। तो जब आप बनाएंगे तभी आप ये जान पाएंगे कि ये कितने टेस्टी हैं। इसमें डाल देंगे ऊपर से स्प्रिंग ओनियन, ग्रीन ओनियन। चलिए इन्हें सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सर्व कर लिया है इन्हें मैंने प्लेट में। देखिए कितने इतने अच्छे लग रहे हैं, देख कर ही खाने का मन हो रहा है मुझे, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। फ्रेंड्स तो आप भी इसे बनाइए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।